नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब भी पुरुष और स्त्री का विवाह किया जाता है तो उससे पहले उन दोनों के जन्म कुंडलियों का विशेष रूप से अध्ययन कर लिया जाता है, और अध्ययन करने के पश्चात उन दोनों में जो भी गुणों की साम्यता होती है, उन दोनों के गुणों का मिलान करने के पश्चात ही एक विशेष निष्कर्ष पर निकला जाता है। दोनों की जन्म पत्रियों में विशेष रूप से अष्टकूटों की व्यवस्था होती है ही। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ण, वर्ष्य इत्यादि जो आठ कूट हमारे भारतीय ज्योतिष शास्त्र में बताए हैं, उन सबका एक विशिष्ट महत्व होता है और बहुत ही वैज्ञानिक विधि से इन सभी का वर्गीकरण किया जाता है। तो वर्ण, वर्ष, तारा इत्यादि जो भी अष्ट कूट होते हैं, उनमें एक सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कूट होता है जिसे हम नाड़ी कूट के नाम से जानते हैं। नाड़ी कूट को सभी कूटों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, और ऐसा वचन भी प्राप्त होता है कि ब्रह्मा ने स्वयं स्त्रियों के मंगल सूत्र की तरह इसको बनाया हुआ है। मतलब जिस प्रकार से स्त्रियां अपने गले में आजीवन मंगल सूत्र धारण किए हुए रहती हैं, उसी प्रकार से यह नाड़ी दोष भी उतना ही प्रभावी होता है जितना वह मंगल सूत्र उस स्त्री विशेष के लिए आजीवन प्रिय होता है। तो यह नाड़ी दोष अत्यंत ही विचारणीय हो जाता है समस्त वैवाहिक सुखों के पक्षों को लेकर के। विशेष रूप से नाड़ी दोष से जो प्रभाव उत्पन्न होता है वह होता है अनुकूलता के ऊपर, अर्थात स्वास्थ्य की अनुकूलता और जो प्रतिकूलता होती है, इन दोनों का विशेष समायोजन नाड़ी दोष से हम देखते हैं। ऐसी घटनाएं सम्मुख उपस्थित होती हैं कि विवाह के पश्चात वर अथवा वधु में से किसी एक की विशेष रूप से स्थिति खराब हो गई, और नाड़ी दोष की स्थिति में कभी कभी ऐसा होता है कि संबंध विच्छेद की भी संभावनाएं हो जाती हैं, और यहाँ तक कि कुछ स्थितियों में मृत्यु की भी संभावनाएं अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट की भी संभावनाएं होती हुई दिखाई देती हैं। तो यह जो नाड़ी दोष है, जो आठ कूटों में अत्यंत महत्वपूर्ण है और विशेष रूप से विचारणीय है, तो इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। नाड़ी दोष के ऊपर, नाड़ी दोष के बहुत सारे परिहार ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं, तो उनमें एक विशेष परिहार की हम आज चर्चा करेंगे। मतलब नाड़ी दोष का क्या क्या परिहार हो सकता है, और उनमें से एक जो विशेष परिहार है उसकी हम आज चर्चा करेंगे। नाड़ी दोष के अनेक परिहार ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं कि नक्षत्र एक हो, राशि पृथक हो, राशि एक हो, नक्षत्र पृथक हो, चरणों का वेद इत्यादि अनेक प्रकार के परिहार ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं नाड़ी दोष को लेकर के। ऐसी स्थितियां होती हैं कि सभी गुण मिल रहे हैं लेकिन नाड़ी दोष नहीं बनता हो, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे दंपतियों का यह देखा गया है कि विवाह प्रस्ताव अच्छा होते हुए भी विवाह नाड़ी दोष होने के कारण नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको यह वीडियो अवश्य देखना चाहिए कि कौन से ऐसी स्थितियां हैं जिनमें नाड़ी दोष प्रभावी नहीं होता है। हमारे कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसे विशेष नक्षत्र होते हैं जिनमें नाड़ी दोष बिल्कुल भी प्रभावी नहीं होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जिस नाड़ी की चर्चा कर रहे हैं वह त्रिनाड़ी है, चतुर्नाड़ी भी होती है, पंचनाड़ी भी होती है, और वह चरण के अनुसार उसकी विशेष रूप से संज्ञा की गई है और विशेष देशों में उसका विचार किया जाता है। उसकी हम चर्चा किसी अन्य दिवस पर करेंगे, लेकिन आज हम त्रिनाड़ी की चर्चा करेंगे। त्रिनाड़ी कहने का मतलब सर्पाकार एक नाड़ी चक्र बना हुआ होता है, उसी को हम त्रिनाड़ी से कहते हैं। त्रिनाड़ी में आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत नाड़ी होती है। इनमें एक नाड़ी होने पर, मतलब वर और वधु इन दोनों की एक नाड़ी हो जाए, मतलब समान नाड़ी हो जाए, तो नाड़ी दोष प्रभावी होता है, और उससे मिलने वाला जो कूट संख्या होती है, उससे मिलने वाली जो कूट संख्या होती है अर्थात जो आठ मिलता है, वह ऐसी परिस्थिति में, मतलब नाड़ी दोष प्रभावी होने पर प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में जो शास्त्रोक्त परिहार बताए गए हैं उन परिहारों का आश्रय करना चाहिए। नाड़ी दोष, जैसे मान लीजिए वर
का नाड़ी है आदि नाड़ी और कन्या की भी आदि नाड़ी है, मतलब अश्विनी नक्षत्र में दोनों का जन्म है तो दोनों की एक ही नाड़ी हुई, तो ऐसी स्थिति में परिहार लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक नाड़ी होने पर क्या होता है, विवाह नहीं करना चाहिए, मतलब नाड़ी दोष होता है और नाड़ी दोष के कारण विवाह की संभावनाएं थोड़ी सी कम हो जाती हैं। वस्तुतः 36 में से 28 गुण तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन नाड़ी का जो 8 गुण होता है वह उसे नहीं प्राप्त होता है, तो ऐसी स्थिति में परिहार लगाने की आवश्यकता हो जाती है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कौन से ऐसे नक्षत्र विशेष हैं जिनमें नाड़ी दोष बिल्कुल भी प्रभावी नहीं होता है। एक नक्षत्र होने पर भी नक्षत्रों के चरण अंतर होने पर और चरणों के भेद होने पर भी परिहार इसका लगता है, मतलब जैसे मान लीजिए किसी का अश्विनी नक्षत्र है, वर का अश्विनी नक्षत्र है, कन्या का भी अश्विनी नक्षत्र है, लेकिन वर का अश्विनी नक्षत्र का प्रथम चरण है और कन्या का अश्विनी नक्षत्र का द्वितीय चरण है, तो यहाँ पर चरण भिन्न है तो नाड़ी दोष का प्रभाव नहीं लगेगा, मतलब चरणों भिन्नता होने पर और चरणों में भेद न होने पर, मतलब प्रथम चरण का भेद चतुर्थ चरण से होता है, द्वितीय चरण का भेद तृतीय चरण से होता है, तो चरण वेद नहीं होने पर विवाह शुभ माना जाता है। लेकिन कुछ नक्षत्र ऐसे भी हैं जिनमें न तो चरण वेद व्यवस्था लागू होती है और न ही चरणों की पृथकता वाली जो व्यवस्था है वह भी प्रभावी नहीं होती है। तो कौन से ऐसे नक्षत्र हैं उनके विषय में शास्त्रकारों में बताया गया है कि रोहिण यार्द्रा मृगेंद्र अग्नि पुष्य श्रवण पौष्णभम अहिर्बुधनिरक्षमेतेषां नाडी दोषो न विद्यते, मतलब 8 यह नक्षत्र होते हैं जिनमें नाडी दोष बिल्कुल भी प्रभावी नहीं होता है। इसके अतिरिक्त एक और नक्षत्र अन्य ग्रंथकार ने बताया है, जिसको मघा नक्षत्र अन्य ग्रंथकार ने उसको ग्रहण किया हुआ है, तो इस प्रकार मिलाकर के कुल 9 नक्षत्र ऐसे बन जाते हैं जिनमें नाडी दोष बिल्कुल भी प्रभावी नहीं होता है। मतलब कौन कौन से ऐसे नक्षत्र हैं, तो रोहिणी, आर्द्रा, मृगशिरा, विशाखा, पुष्य, श्रवण, रेवती, उत्तरा भाद्रपदा और मघा, मतलब यह जो 9 नक्षत्र हैं इन 9 नक्षत्रों में नाड़ी का जो दोष होता है वह प्रभावी नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि रोहिणी नक्षत्र में वर का जन्म हुआ हो और कन्या का भी जन्म हुआ, मतलब दंपत्ति, दोनों दंपत्ति का नक्षत्र एक ही हो, मतलब रोहिणी नक्षत्र के दोनों उत्पन्न हुए हों, तो उनमें नाड़ी दोष प्रभावी नहीं होगा। इसी प्रकार से आर्द्रा नक्षत्र में भी दोनों की उत्पत्ति हुई हो, मतलब वर और वधु दोनों का जन्म नक्षत्र आर्द्रा है, तो भी नाड़ी दोष प्रभावी नहीं होगा। जैसे रोहिणी नक्षत्र है, तो यदि रोहिणी नक्षत्र के प्रथम चरण में वर का जन्म है और द्वितीय चरण में कन्या का जन्म है, चरण का अंतर तो वहाँ पर हुआ प्रथम चरण और द्वितीय चरण, लेकिन उस चरण का विचार यहाँ पर नहीं करेंगे, चरण वाला जो परिहार है वह यहाँ पर लागू नहीं होगा। ये जो 9 नक्षत्र होते हैं, इन 9 नक्षत्रों में न तो वेद का परिहार लगाया जाता है और न ही चरण भिन्नता वाला जो परिहार है उसको भी यहाँ पर नहीं लगाया जाता है, क्योंकि यह 9 नक्षत्र ऐसे हैं जो इन सभी दोषों से मुक्त होते हैं और नाड़ी दोष का जो प्रभाव होता है उस प्रभाव को बहुत हद तक कम करने में सामर्थ्यवान होते हैं। तो यह 9 नक्षत्र आपको अवश्य ध्यान रखने चाहिए, और जब भी कुंडली का मिलान आपके द्वारा किया जाता है तो यह 9 नक्षत्र आपको विशेष रूप से ध्यान देने चाहिए। इसमें कुछ ध्यान देने वाली बातें भी होती हैं, जैसे मान लीजिए रोहिणी नक्षत्र में वर का जन्म है या कन्या का जन्म है, लेकिन यह जो 9 नक्षत्र बताए गए हैं इससे पृथक नक्षत्रों में किसी एक का जन्म हो तो यह प्रभावी नहीं होगा, मतलब इन्हीं 9 नक्षत्रों में उन दोनों का जन्म होना चाहिए, या तो एक ही नक्षत्र में इन दोनों का जन्म हो, अथवा यह जो 9 नक्षत्र बताए गए हैं इन 9 नक्षत्रों में से किसी भी नक्षत्र में वर एवं वधु का जन्म हो तो नाड़ी दोष प्रभावी नहीं होगा। मतलब यह जो 9 नक्षत्रों की जो श्रृंखला है इससे पृथक नक्षत्र और जो हमारे 18 शेष बचते हैं
उनमें यदि किसी एक का जन्म हो और इनमें किसी एक का जन्म हो तो ऐसी स्थिति में यह दोष मतलब यह परिहार लागू नहीं होगा। कहने का मतलब है कि जो नौ नक्षत्र बताए गए हैं जिनको नाड़ी दोष से मुक्त किया गया है, इन्हीं नौ नक्षत्रों में वर और वधु दोनों का जन्म नक्षत्र होना चाहिए। मतलब नाड़ी जो है इनकी इन्हीं नक्षत्रों में से समान नाड़ी होनी चाहिए। मतलब पृथक नाड़ी होगा तो वैसे ही नाड़ी का दोष प्रभावी नहीं होगा। तो समान नाड़ी है, आदि नाड़ी हो सकती है, मध्य नाड़ी हो सकती है, अंत नाड़ी हो सकती है, तो समान नाड़ी हो तो भी दोष प्रभावी नहीं होगा। और वर और वधु की केवल एक ही नाड़ी हो जाए, मान लीजिए विशाखा नक्षत्र की जो नाड़ी है, वर और वधु उन दोनों का विशाखा नक्षत्र ही जन्म हो, गुण तो 28 मिलेंगे लेकिन नाड़ी दोष का जो गुण है 8 गुण वह उसको प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसी अवस्था में विवाह का तिरस्कार नहीं कर देना चाहिए। यह जो नौ नक्षत्र हैं उनकी विशेष छूट दी गई, एक प्रकार से ऐसा कहा जाए शास्त्रकारों ने, तो उसमें विवाह अवश्य ही कर लेने चाहिए। तो यह जो नौ नक्षत्र हैं आप सभी को अवश्य ध्यान रखने चाहिए और यह पूर्ण रूप से प्रामाणिक है और शास्त्रीय है, क्योंकि बहुत सारे ग्रंथों में उसका उद्धरण प्राप्त होता है। आप कोई सा भी मुहूर्त वाले जो संग्रह ग्रंथ हैं अथवा जो मुहूर्त वाले जो स्वतंत्र ग्रंथ हैं उनमें इन नौ नक्षत्रों की विशेष चर्चा की गई है और पंचांगकारों ने भी इसे अपने पंचांगों में स्थान दिया हुआ है। और यह प्रत्यक्षतः देखने में भी आता है कि इन नौ नक्षत्रों में जो नाड़ी का जो दोष होता है वह कम प्रभावी होता है। कुछ एक उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए रोहिणी नक्षत्र हुआ, रोहिणी नक्षत्र इसकी जो राशि बनेगी वह राशि होती है वृष राशि, और वृष राशि का जो स्वामी होता है वह होता है शुक्र। एक जगह ऐसा भी आया है कि यदि वर और वधु के जो भी नक्षत्र राशि के जो स्वामी बन रहे हैं वह दोनों यदि शुभग्रह हों तो भी नाड़ी दोष प्रभावी नहीं होता है। तो उन्हीं की श्रेणी में यह सभी नक्षत्र कहीं न कहीं से परिणत होते हुए दिखाई देते हैं। एक दो नक्षत्र वैसे हैं जैसे मघा नक्षत्र है उसका स्वामी सिंह होता है तो यह दूषित है, तो एक दो नक्षत्र ऐसे अपवाद स्वरूप इन नौ नक्षत्रों की श्रृंखला में हैं, किंतु बहुत सारे ऐसे नक्षत्र मतलब हैं जिनमें उनका जो स्वामी है वह शुभग्रह बन रहा है। इस कारण से यह जो दोष है, नाड़ी का जो दोष है, इन नक्षत्रों में प्रभावी नहीं होता है। लेकिन वर और वधु दोनों की जो नाड़ी है वह इन्हीं नक्षत्रों से संबंधित होने चाहिए। अन्य नक्षत्र से संबंधित होने पर यह दोष प्रभावी, यह परिहार प्रभावी नहीं होगा। अन्य परिहार जो होते हैं वह प्रभावी होंगे। उन अन्य परिहारों की हम कभी और चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे नाड़ी दोष के परिहार उपलब्ध होते हैं। बहुत सारे जो ज्योतिषी होते हैं, चाहे बहुत सारे जो लोग होते हैं, वह उन परिहारों पर ध्यान नहीं देते हैं और बिना ध्यान दिए हुए ही विवाह को एक प्रकार से तिरस्कृत कर देते हैं। मतलब विवाह संबंध जो होने जा रहा, जो सही संबंध है वर और वधु का, जो एक प्रकार से जो सही संबंध होने वाला है, लेकिन नाड़ी दोष के कारण उसको कहीं ना कहीं से अस्वीकृत कर दिया जाता है। तो बहुत सारे दो जो परिहार हैं उन परिहारों को ध्यान अवश्य रखना चाहिए और उनमें यह विशेष परिहार है, इन परिहारों को भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो उन परिहारों की कभी चर्चा हम अन्य दिवस में करेंगे, लेकिन आज के लिए केवल इतना ही। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस विषय से संबंधित कोई भी जिज्ञासा हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर सूचित कीजिएगा। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।